साथियों आज हम बात करेंगे दो टॉपिक पे। पहला है हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनोवा मार्केट से बाहर हो गए हैं, साथ ही साथ ओला एथर और टीवीएस को अपना जो एमआरपी है उसको घटाने का सर्कुलर जारी हुआ है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो है ट्रैफिक रूल्स को लेके। अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर चला रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स क्या होना चाहिए। रिसेंट डेज में किसी यूट्यूबर ने ये कहा कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, 1 अप्रैल से ये लागू होने वाला है कि आप अगर हाफ स्लीव टी शर्ट पहने हैं, हाफ स्लीव शर्ट पहने हैं, या फिर आप लुंगी पहने या धोती पहने या चप्पल पहने, जूता नहीं पहने, तो आपके ऊपर फाइन होगा। सरासर फेक न्यूज है और आज मैं तथ्य के साथ बात करूंगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। मैं हूँ सुबीर रंजन, आप सभी का चहेता मीडिया ट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनोवा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में। इनको सरकार ने बेचने से मना क्यों किया है, साथ ही ओला एथर और टीवीएस को सरकार ने एमआरपी घटाने क्यों कहा, आइए समझते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर हीरो का और ओकिनोवा का खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो सरकार का जो नया आदेश है उसे जरूर ध्यान पूर्वक समझ लें। भारत में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे ये कंपनियां बाहर से सामान इंपोर्ट करती है और केवल असेंबल कर आपको पकड़ा दिया जाता है मेड इन इंडिया का लेबल लगा के। लेकिन अब इन दोनों कंपनियों के ऊपर सरकार ने काफी सख्त एक्शन लिया है। भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, यानी कि एक सवाल के जवाब को लिखित में दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि भारी अनियमितता और नियमों का पालन नहीं करने के वजह से हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनोवा को फेम टू सब्सिडी से वंचित कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि इन दोनों कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमानों पर अनियमितता की जानकारी मिली थी और मुख्य रूप से स्पेयर पार्ट्स के इंपोर्ट से संबंधित था। वहीं भारत सरकार सब्सिडी और अन्य योजनाएं नियम अनुसार के बाद उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो भारत के भीतर ही अपने स्पेयर पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हाल ही में एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों के खिलाफ फेम टू सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 1.5 लाख रुपए से कम अपने वाहनों के गलत मूल्य निर्धारण यानी कि एमआरपी का मामला सामने आया है। गुर्जर जी ने कहा कि सभी शिकायत मामलों को परीक्षण एजेंसियों को इंस्पेक्शन के लिए बता दिया गया है। अब जो मुद्दा है वो ये है कि आम लोगों के ऊपर इसका क्या असर होगा। सब्सिडी के रुकने से ये कंपनियां अपने जो एमआरपी है या प्राइस जो है उसको वो बढ़ा देंगी और बढ़ा देने से वेरी नेचुरल आप जैसे कस्टमर्स वहाँ नहीं जाएंगे, वो दूसरे कंपनीज के इलेक्ट्रिक स्कूटर है अब उनकी तरफ मूव करेंगे। दूसरी तरफ एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस के ऊपर जो जांच बैठी है वो अगर सब्सिडी का लाभ यूजर्स को आप बिजनेसों को अगर नहीं दे रहे हैं या अनियमितता पाया जाता है तो वैसी स्थिति में कंपनियां अपना दाम कम करेंगी ताकि वह सब्सिडी स्कीम के बाहर ना जाए। तो साथियों ये आपका काम का टॉपिक है, जब भी आप जा रहे हैं तो ये बातें मैं जो अभी इस अपने इस वीडियो के माध्यम से बताया आप इसको एक गूगल भी कर सकते हैं। ये एकदम कंफर्म है कि हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनोवा के ऊपर जांच लगा है, उनको सरकार ने आदेश दिया है कि आप अपना गाड़ी अभी नहीं बेचेंगे। लेकिन ऐसे कई डीलर्स आपको मिल जाएंगे साथियों जिनके पास स्टॉक में तो है, वो बेचना भी चाहते हैं, शायद आप उनके बुलावे में चले जाएं। लेकिन आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं ठगे जाएंगे क्योंकि फेम टू सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा, या तो वो एमआरपी को बढ़ा के आपको फेम टू सब्सिडी की बात करेंगे। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है साथियों। इसमें अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है, कुछ आपको बताना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट न्यूज के तरफ चलते हैं, वो है ट्रैफिक रूल को लेके। अभी जो मार्केट में यूट्यूब में एक फेक न्यूज चल रहा है जो कि 1 अप्रैल से लागू होने की बात दावा किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है, आइए समझते वो न्यूज क्या है।
साथियों, न्यूज ये है कि अगर आप टू व्हीलर को स्लीपर पहन के चला रहे हैं, ट्रैफिक रूल के हिसाब से आपके ऊपर फाइन होगा। अगर आप हाफ स्लीव टी शर्ट पहने या हाफ शर्ट पहने, अगर आप लुंगी पहने हैं या फिर धोती पहने हैं या फिर ब्रीफ पहने हैं, तो आपके ऊपर फाइन होगा। साथियों, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा कुछ अमेंडमेंट हुआ है इंडियन मोटर एक्ट में, ना कोई पुलिस इसके ऊपर चालानी कार्रवाई कर सकती है। हाँ, कुछ पुलिस इसमें जरूर कर रहे हैं जिस कारण ये फेक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, लेकिन सच माने अपने जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी का, उनका मैं ट्वीट दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पे देखिए। साथियों, हेलमेट पहनना जरूरी है, अगर नहीं पहनेंगे तो चालानी कार्रवाई होगी। ट्रिपल अगर आप अपने टू व्हीलर में मूव कर रहे हैं तो चालानी कार्रवाई होगी, ये भी मैं मानता हूं। अगर आप कार चला रहे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाए तो चालानी कार्रवाई है, ये भी बात मैं मानता हूं। आपके पास अगर पीयूसी नहीं है तो चालानी कार्रवाई होगी, ये भी बात मैं मानता हूं। लेकिन टी शर्ट पहन के आप चल रहे तो चालानी कार्रवाई, टी शर्ट अगर हाफ स्लीव है तो चालान, आप अगर चप्पल पहने, स्लीपर पहने, शू नहीं पहने तो चालान, आप अगर लुंगी पहने, धोती पहने तो चालान, सरासर गलत है। कोई भी पुलिस फाइन नहीं ले सकती है। नितिन गडकरी जी का जो आपने ये ट्वीट देखा, वो हमारे माननीय परिवहन मंत्री है, ये ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। कोई भी पुलिस आपके ऊपर अगर कभी भी ऐसी कार्रवाई करती है तो उस स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा, आपके ऊपर कोई चालानी कार्रवाई नहीं होगी। और ऐसे यूट्यूबर्स को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप काइंडली ऐसा गलत फेक न्यूज मत फैलाइए। आप बड़े यूट्यूबर्स हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, फैन बेस है, सब्सक्राइबर बेस है, आप बिना तथ्य जाने आपको एक वीडियो लेके आना है तो आप कुछ भी रिवील करते रहेंगे। आप परिवहन मंत्रालय है, आप उनसे कंफर्म कीजिए कि ये न्यूज वाकई में सही है कि नहीं। मुझे कैसे मिल गया ये न्यूज? मैं साथी अपने सब्सक्राइबर्स का हमेशा भला चाहता हूँ, या फिर मेरे जो व्यूवर्स हैं मैं उनका भी भला चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसमें रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मेरे पास तो ऐसे कई सारे तथ्य हैं, लेकिन मैंने वो तथ्य दिखाया जो आपको इमीडिएटली रिलीफ देगा कभी भी पुलिस अगर आपके ऊपर चालानी कार्रवाई करती है तो, इन सब कंडीशंस का जो मैंने बताया। आप ये स्क्रीनशॉट नितिन गडकरी जी का दिखा दीजिए, आपके ऊपर कोई चालानी कार्रवाई नहीं होगी। फिर भी अगर होता है आप कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए, क्योंकि पुलिस अगर कुछ गलत करी तो उनको सुधारना भी हमारी जिम्मेदारी है, संविधान तो एटलीस्ट ये कहता है। चलिए साथियों, आपको अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो मुझे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना मुझे अपने प्यार से नवाजिए। और अगर आप मिस कर रहे हैं, मेरे चैनल का आप सब्सक्राइबर नहीं है, तो जोर से हथौड़ा मार दीजिए सब्सक्राइब बटन पर, एक सेकंड लगेगा, और एक सेकंड लगेगा ऑल को क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल के थ्रू मैं जब भी ऐसा लेटेस्ट लीक इन्फॉर्मेशन लेके उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अगले एपिसोड पर, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, दिस इज सुबीर साइन ऑफ।